लालू जी से बड़ा रावण राज स्थापित करने वाला कौन नेता रहा बिहार में? लालू प्रसाद जी ही गुंडागर्दी के प्रतीक और रावण के भी प्रतीक वही है। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक और नीतीश कुमार जी के राज में कोई बच नहीं सकता और अपराधी को जेल के अंदर जाना ही होगा। राजद का मतलब ही है गुंडागर्दी, अपराधिकरण। जो गुंडागर्दी करता हो वो राजभवन कैसे जा सकता? बिहार में हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर के आज राजद के द्वारा राजभवन मार्च था और सड़कों पर उतर करके खूब हल्ला बोल रहे थे और कह रहे थे कि बिहार में किस तरीका से अपराधी जो है आपराधिक घटनाओं का अंजाम दे रहा है, सत्ता संपोषित अपराध है। सीएम नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं रहा। अब इसी को लेकर के जब सवाल किया गया बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से तो वो राजद और लालू प्रसाद यादव पे बरसते हुए नजर आए और उन्होंने कहा है कि देखिए लालू प्रसाद यादव तो खुद ही रावण के प्रतीक हैं, रावण राज के प्रतीक हैं, उन्होंने बिहार में रावण राज स्थापित करने किया है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार सुशासन राज के प्रतीक है और बिहार में जो अपराधी अपराध करेंगे वो बच नहीं सकते। और भी क्या कुछ कह रहे बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, सबसे पहले आप वो सुने। पटना से टाटा, भागलपुर से हावड़ा, बैजनाथ धाम से बनारस, काशी तक जाने का प्रबंधन आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है, सबके लिए स्वागत योग्य। अभी क्या लालू जी अपनी तुलना कर रहे हो, आपको नहीं पता है लालू जी से बड़ा रावण राज स्थापित करने वाला कौन नेता रहा बिहार में? लालू प्रसाद जी ही गुंडागर्दी के प्रतीक और रावण के भी प्रतीक वही है। वीडियो जारी करने पर क्या कहिएगा सर, जो तेजस्वी ने जो वीडियो जो सर ये कार्रवाई का वीडियो जारी करना चाहिए जी। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को मैं कहता हूँ कि नीतीश कुमार जी सुशासन के प्रतीक और नीतीश कुमार जी के राज में कोई बच नहीं सकता और अपराधी को जेल के अंदर जाना ही होगा। राजद का मतलब ही है गुंडागर्दी, अपराधिकरण। जो गुंडागर्दी करता हो वो राजभवन कैसे जा सकता? लोगों को शर्म लगना चाहिए। तो आपने सुना कैसे लालू प्रसाद यादव पे बरसते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो वो बच नहीं सकता है। सीएम नीतीश कुमार सुशासन के प्रतीक है और यहाँ पे कोई भी अपराधी अगर अपराध करता है तो वो सलाखों के पीछे होता है, लेकिन लालू प्रसाद यादव तो खुद ही गुंडा और रावण राज के प्रतीक। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।